यूट्यूब पर तारा के लिए डिमांड का है। अगर आप यहां पर लोगों का डिमांड नहीं देख रहे, मांग नहीं समझ रहे, तो फिर आप एक कितना भी अच्छा वीडियो बनाइए या रेगुलर अपलोड कीजिए, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक मार्केट में आपने भीड़ देखकर एक बड़ा सा दुकान ओपन किया और अपने दुकान में अलग अलग तरह का महंगा महंगा सामान लाकर रख दिया, लेकिन आपके दुकान में वो सामान नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है जिसका रियल में लोगों को नीड है, जिसका रियल में जरूरत है, जिसे लोग रियल में खरीदना चाहते हैं। आपने वो सामान नहीं रखा है तो लोग आपकी दुकान पर क्यों आएंगे, लोग आपके दुकान से क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आपकी दुकान पर तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है जिसका रियल में डिमांड है, जिसे लोग सर्च कर रहे हैं, जिसे लोग खोज रहे हैं, जिसको लोगों को जरूरत है। आपने वो सामान नहीं रखा है तो लोग ना आपके दुकान से खरीदेंगे, ना आपको किसी भी तरह का फायदा होगा। वहीं पर मार्केट में एक छोटा सा दुकान है जो जरूरत के हिसाब से सामान रखता है, गर्मी में गर्मी का सामान होता है, ठंडी में ठंडी का सामान होता है, तो लोग उसके दुकान पर जाएंगे, उसके दुकान से खरीदेंगे, उसका बिक्री भी होगा, उसका फायदा भी होगा, उसका दुकान भी चलेगा। सेम चीज YouTube पर है। YouTube पर सिर्फ चैनल बना लेने से और आप सोचते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छा वीडियो अपलोड करूंगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो बड़े से दुकान के जैसा आपका भी दुकान नहीं चलेगा। क्योंकि यहां पर जब तक आप डिमांड को नहीं समझेंगे, जब तक आप लोगों के जरूरत को नहीं समझेंगे, जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे और ट्रेंड के हिसाब से वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वीडियो ना वायरल होगा, ना आपके वीडियो पर व्यू जाएगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो नया नया आते हैं और एक दो वीडियो अपलोड करते हैं, उनका वीडियो वायरल हो जाता है, फिर आप बोलते हैं कि यार उसने अभी चैनल बनाया, उसको सही से बोलना नहीं आता है, सही से एडिट करना नहीं आता है, फिर भी उसका वीडियो वायरल हो गया। क्यों वायरल हो गया? क्योंकि उसके दुकान पे वो सामान है जो अभी डिमांड में है, जो अभी ट्रेंड में है, उसके चैनल पे उसने ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जिससे लोग सर्च कर रहे थे, जो टॉपिक ट्रेंड में था, तो उसका वीडियो वायरल हो गया। और एक तरफ आपका चैनल है जहां पर आप रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं, मेहनत करके वीडियो अपलोड करते हैं और किसी किसी दिन आप दो और तीन वीडियो भी अपलोड करते हैं, आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से एडिट करते हैं और समय पर अपलोड करते हैं, फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता, आपके हर एक वीडियो का व्यूज 10-20-50 पर जाकर एकदम से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे, लोग उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना ही नहीं चाह रहे, लोग उस टॉपिक को सर्च ही नहीं करें, उस टॉपिक का अभी ट्रेंड ही नहीं है, तो आप फिर कितना भी अच्छा वीडियो बनाइए या कितना भी मेहनत करके वीडियो बनाइए, इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपका जो चैनल है उससे मान लीजिए आपका एक दुकान है और आपने जो 100-200 वीडियो अपलोड कर रखा है उससे मान लीजिए कि आपके दुकान में वो सामान है। अब आपने एक दुकान बना रखा, उसमें आपने सामान रखा है, अब आपके पास वो सामान नहीं है जिसका लोगों को जरूरत है, जिसे लोग खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपने कितना भी अच्छा सामान रखा हो या कितना भी महंगा सामान रखा हो, आपको वो सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों को जिस चीज की जरूरत होगा लोग वही चीज तो खरीदेंगे। इसीलिए आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं अभी उसका ट्रेंड नहीं है, लोग उस चीज को नहीं देखना चाहते हैं, वहीं पर जो दूसरा चैनल है, जो नया चैनल है, वो लोग आते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो बनाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो जाता है, यूट्यूब से पैसा भी कमाना चालू कर देते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं जहां आपका पहले 100-200 सब्सक्राइबर था, अभी भी आप 100-200-250 सब्सक्राइबर पे पड़े रहते हैं। तो YouTube पर सबसे पहले आपको ट्रेंड को समझना होगा। ट्रेंड को आप एक दूसरे भाषा में सर्चेबल कंटेंट भी कह सकते हैं। मैंने पहले की भी कई वीडियो में आपको बताया है कि YouTube पर जब तक आप सर्चेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। सपने में भी आप यह मत सोचिएगा कि बिना सर्चेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए मैं अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा। सर्चेबल टॉपिक वही जिसका अभी ट्रेंड है, जिसे लोग सर्च करें, वही सर्चेबल टॉपिक है, वही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना होगा। अब भैया हम ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढे कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कोई टेक हो गया, ब्लॉग हो गया, कुकिंग हो गया, कोई भी आप चैनल चलाते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अभी क्या चीज ट्रेंड में है और मैं किस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं? तो अगर आप यूट्यूब को अच्छे से फॉलो करते हैं और अगर कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी चीज ट्रेंडिंग में आता है, तो बहुत ज्यादा वीडियो उसके ऊपर बनने लगता है, बड़े बड़े क्रिएटर उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। जैसे कि अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक था। अगर आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते तो 100% आपका वीडियो वायरल होता। टेक चैंपियन सपोर्ट ने भी वीडियो बनाया, मनोज ने भी वीडियो बनाया, बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने भी वीडियो बनाया, तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था जिसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है उसके ऊपर आप जितना जल्दी वीडियो बनाएंगे उतना ज्यादा चांस होता है कि आपका वीडियो वायरल हो। अब ये एक ऐसा
ऐसा टॉपिक था जिस पर कोई कैसा भी वीडियो बना दे उसका वीडियो वायरल होता है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को पकड़ना है। दूसरा तरीका है कि आप अपने कैटेगरी के चैनल को फॉलो कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो मैंने 10-15 ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा जो एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अब मैं उनके चैनल को बीच बीच में देखता रहता हूं कि इन्होंने ऐसा कौन सा वीडियो अपलोड किया जो वीडियो उनका वायरल हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, अब आप एक दूसरा कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए कि वो जो वीडियो अपलोड करता है उसमें से कौन सा वीडियो उसका वायरल गया है। उसके हर एक वीडियो पे 60-70 व्यूज आता होगा, लेकिन अगर किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है, जैसे हर एक वीडियो पे 60-70 व्यूज आ रहा था, एक वीडियो पर मैंने देखा कि 10,000-20,000 व्यूज आया है, मतलब कि ये एक सर्चेबल टॉपिक है, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसे लोग देख रहे हैं, जो ट्रेंड में है, तो फिर आप भी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। अपने कैटेगरी में आप 10-15 चैनल पे नजर बनाकर रखिए और देखिए कि कौन सा वीडियो अभी रिसेंट में उसका वायरल गया है, किस वीडियो पे अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा व्यूज आया है, फिर आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए और फिर ज्यादा चांस है कि आपका वो वीडियो वायरल जाएगा, आपके उस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तीसरा तरीका जिसे आप यूज कर सकते हैं और इसमें यूट्यूब आपको खुद बताता है कि अभी क्या क्या चीज ट्रेंड में चल रहा है और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आपका वीडियो 100% वायरल होगा, इस चीज को आप अपने चैनल पर ही देख सकते हैं। अब अगर आपका चैनल थोड़ा सा पुराना है या फिर आपने अपने चैनल पे 20-30 वीडियो अपलोड किया है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक को देखने के लिए सिंपल आप अपना YT स्टूडियो ओपन कीजिए और नीचे आपको एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर एक नंबर पर आपको रिसर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहां पर आपको टॉप सर्च के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहां पर पूरा का पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी आपके कैटेगरी में, मतलब जो जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, ब्लॉग से रिलेटेड हो, आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में अभी क्या चीज ट्रेंड में चल रहा है, किस चीज को लोग सर्च कर रहे हैं, फिर आप इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो 500% गारंटी है कि आपका वीडियो वायरल होगा। तो यहां से भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक का पता कर सकते हैं और सिर्फ वीडियो अपलोड कर देने से, रेगुलर वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि YouTube पर हजारों लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, अच्छा वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, उनका चैनल तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नया नया YouTube पर आते हैं, उनको अच्छे से बोलना नहीं आता है, टाइटल में अच्छे से अंग्रेजी लिखना नहीं आता है, किसी को कुछ लिख देंगे, किसी को कुछ लिख देंगे, लेकिन उनका वीडियो वायरल होता है, उनके वीडियो पर व्यूज आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक ही ऐसा होता है, ट्रेंड ही ऐसा होता है कि अगर आपने ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाया तो जैसे जैसे वो ट्रेंड वायरल होगा उसी के साथ साथ आपका वीडियो भी वायरल होगा। तो 100 बात का 1 बात कि अगर आपको YouTube पर ग्रो होना है तो आपको भीड़ के साथ चलना होगा, ट्रेंड के साथ चलना होगा। अगर आप ये सोचोगे ट्रेंड इधर जा रहा है मैं इधर जाऊंगा, तो भैया आप इधर अकेले ही चले जाओगे, फिर आपका YouTube पे आने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जहां पर भीड़ जा रहा है, जहां पर भीड़ देखना, भीड़ जो चीज देखना चाह रहा है, जो चीज खरीदना चाह रहा है, आपको वही चीज बेचना है, तभी आप यहां पर प्रॉफिट कर पाओगे। सबसे पहले आप डिमांड का पता करो, फिर आप अपने डिमांड के हिसाब से चीजों को लाओ और फिर उसे आप सेल करो, तब आपका प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो कमेंट की जगह मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए यहां पर खड़ा हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।